शायद जिसमें घोषणा भी हुआ और उसके बाद भी मैं जिस तरह से क्षेत्र में बना रहा, जिस तरह से पहले था, लगातार कई वर्षों से जिस तरह से बना हुआ था उसी तरह से अभी भी उसी रफ्तार से मेरा काम चालू था। ऐसा नहीं कि हम जो है क्षेत्र से हट गए या सामाजिक क्षेत्र में कोई काम नहीं करने लगे, नहीं, मतलब जिस दिन घोषणा हुआ उसके दूसरे दिन से भी हमारा जो है सामाजिक क्षेत्र में उसी तरह बना रहा, वही काम हम करते रहे। हम बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि जो उस जाँच के दायरे में हम है तो मेरे यहाँ छापे पड़ा। मैंने भी बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, उन लोगों ने भी कॉपरेट किया और जो भी जांच करना था वो जांच करके चलेंगे। आगे भी यदि जांच के लिए आते हैं तो हम उनको कॉपरेट करेंगे और जो उनको लगेगा कि भाई हम गलत है तो फिर वो साबित करें। किसी भी आदमी का यदि काम होता है, ज़रूरतमंदों का काम होता है, तो यदि जो काम हमसे संभव नहीं हो पाता है तो जिस पार्टी से लगता है कि फलाने नेता से यदि ये काम हो जाता है उसके पास हम पहुँचते हैं, जैसे वो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उसका काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे सभी लोगों से मेरा जो है संबंध, मतलब मधुर संबंध सभी पार्टी के नेताओं के साथ है। यहाँ तक बता देता हूँ, कोरोना काल में जिस समय मेरे पॉकेट का पैसा खत्म हो गया था, तो चूंकि उसमें बहुत बृहद पैमाने में मैं काम कर रहा था, कोरोना काल में सूखा राशन भी दे रहा था, खाना भी बांट रहा था, तो पैसे खत्म हो गई थी। कुछ जो है पत्नी के पास उसका FD वगैरह बचा हुआ, तो उन्होंने खुद जाके बैंक से उसको तोड़वा के उस पैसे को मेरे सामने ला दिया, नहीं इनसे भी जो है आप सेवा कीजिए। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और जब सीट आरक्षित हो गई, क्योंकि मैं पहले से जिस रफ्तार जैसे मैं समाज सेवा कर रहा था उसी तरह से मैं करते रह गया और मुझे आगे भी करना ही था। ऐसा बात नहीं कि मैं चुनाव में आऊँगा तभी समाज सेवा करूँगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। और आगे मैंने सोचा ही नहीं कि विधानसभा लड़ूँ या मतलब लोकसभा लड़ूँ, इस तरह का कोई मन में नहीं है। यदि लोगों की इच्छा होगी आने वाला समय में, यदि ऊपर वाले की मर्जी होगी तो बस उस क्षेत्र में देखते हैं क्या हो सकता है। और अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो है राज्य स्तरीय एक रग्बी का खेल हुआ था और उसमें से कई खिलाड़ी जो है नेशनल के लिए चयनित होकर जो अभी गुजरात में जो है अहमदाबाद में खेल हुआ, इसमें जो है 4 खिलाड़ी जो है वहाँ से मेडल लेके आए थे। आज ही सुबह मेरे पास सारे लोग पहुँचे थे और बहुत खुशी लगी कि जो है यहाँ से खेल किया, यहाँ से चयनित होकर वो लोग गए और मेडल लेके मेरे पास ही डायरेक्ट आए, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो लगा कि चलो पित्त तक तो अपना मैं निजी कर रहा था, तो चलो किसी यदि मतलब सरकारी फंडिंग वगैरह होता है, सरकार का प्रशासनिक जो भी सहायता मिलती है, तो किसी पोस्ट पे यदि किसी जगह पे चले जाते हैं तो हो सकता है कि जो प्रशासनिक सहायता भी मिलता है उसको भी यदि ऐड किया जाए तो लोगों की और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो उसी को देखते हुए जो है इस तरफ राजनीति की तरफ आने की इच्छा जाहिर हुई और कुछ लोगों का भी मन हुआ कि नहीं आप इस क्षेत्र में आइए, आप यदि आपकी हाथ और मजबूत होती है तो शायद आप और कुछ विशेष करेंगे। तो बस उसी समय से मन बना लिया था कि नहीं चलिए अब इस बार यदि सीट जनरल रहेंगे तो चुनाव में आएंगे। और हमारे दादाजी और पिताजी भी इस बात को बोले थे कि बेटा जब भी तुम अपने पैर पर खड़े होगे, जब भी तुम कमाने लगोगे या नौकरी करोगे, जो भी करोगे, तो सामाजिक क्षेत्र में हमेशा बने रहना, लोगों की मदद करना, श्राद्ध में, शादी में जरूर, जो गरीब बच्चों की बच्चियों की शादी में, गरीब लोगों के श्राद्ध में जो है जरूर तुम मदद करना। तो उस समय से ही ये प्रेरणा मन में आया था। नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं मिलिंद कुंचन। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं कोविड के समय से लोगों की मदद करके चर्चा में आने वाले विजय यादव। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर कोविड के समय में अचानक क्यों इन्होंने लोगों की सेवा करने का मन बना लिया और उसके बाद फिर राजनीति में उतरने का इरादा कैसे हुआ। इन तमाम सवालों को आज टटोलेंगे विजय यादव के साथ, इनसे मिलिए कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है विजय जी हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। कोविड के समय से आप चर्चा में आ गए लगातार कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको मदद पहुंचा रहे हैं, तो अचानक ये ख्याल कैसे आया कि समाज में लोगों की सेवा की जाए? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात, मैं समाज सेवा में कोविड के समय से बहुत पहले से हूँ और पहले मैं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता था, 2008-09 से मैं जो इस सामाजिक क्षेत्र में बना हुआ हूँ और मेरा दायरा उस समय सीमित था ग्रामीण क्षेत्रों में। और कोविड के टाइम में जो है लोगों की ज़रूरत जिस तरह से देखे कि लगातार 2 साल जो है कोरोना की वजह से जो है सारे कारोबार सभी का, जो जितना भी रिक्शा चालक ठेला चालक थे, मिडिल क्लास फैमिली के थे, जिसको प्राइवेट जॉब वगैरह जो करते थे, सारे का जो है मतलब सबके साथ परेशानी हो गई। तो लोगों की ज़रूरत बढ़ी, ज़रूरत बढ़ने के साथ हम शहरी क्षेत्र में घुसे। और उससे पहले तक ये था कि हम सोशल मीडिया पे भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे और कोविड के टाइम में सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हुए और उस समय से जब क्षेत्र बढ़ा, दायरा बढ़ा, तो लोगों के बीच में जो मतलब आए और उसी समय से जो है लोग शहरी क्षेत्र में लोग मुझे जानने लगा। अच्छा, तो इस कोविड के समय से पहले से आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आया कहाँ से आखिर ये ख्याल विजय यादव को कि लोगों की मदद की जाए?
जी बिल्कुल, ये ख्याल जो है हमारा मतलब पारिवारिक है, जो जिसमें हम बचपन में पढ़ते थे, जिसमें मतलब दूसरा या तीसरा क्लास में हम लोग जो उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय देखते थे कि पिताजी और दादाजी लोग वगैरह क्या करते थे कि गांव में यदि किसी बच्ची का शादी हो, उस किसी गरीब घर में जो है श्राद्ध होता था, तो कुछ मांगने के लिए आते थे घर पे। तो उस समय तो शायद हम लोग किसान थे, पैसे नहीं हुआ करते थे हम लोगों के पास, तो घर से जो है 10 किलो 20 किलो चावल आटा वगैरह वगैरह जो है दे दिया जा करता था। तो देने के बाद वो लोग जो है बहुत ज़्यादा सम्मान, जब भी ज़रूरत पड़ती थी पिताजी यदि फ़ोन करते थे या बुलाते थे, बुलवाते, उसमें तो फ़ोन की ज़माना नहीं थे, बुलवाते थे, बहुत मतलब उस घर से या उस परिवार से उस गाँव में जो बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो उस चीज़ को जो है हम लोग उसी समय से मतलब ग्रहण किए थे कि नहीं, देखिए किसी की सेवा करने से लोगों को जो सम्मान मिलता है, तो लगता है कि नहीं सेवा करने से और अपने आप में सुकून भी मिलता है। तो हमारे दादाजी और पिताजी भी इस बात को बोले थे कि बेटा जब भी तुम अपने पैर पे खड़े होगे, जब भी तुम कमाने लगोगे या नौकरी करोगे, जो भी करोगे, तो सामाजिक क्षेत्र में हमेशा बने रहना, लोगों की मदद करना, श्राद्ध में, शादी में जरूर, जो गरीब बच्चों की, बच्चियों की शादी में, गरीब लोगों के श्राद्ध में जो है जरूर तुम मदद करना। तो उस समय से ही ये प्रेरणा मन में आया था। अपने पिताजी दादाजी मैंने परिवार के एक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है कि मदद लोगों के करते जाना है, बिल्कुल जहां भी जो तक सक्षम है। अब सीधे लौटते हैं उस मेयर का चुनाव, आप राजनीति में प्रवेश करने वाले थे, तमाम तरफ ये बातें चल रही थी कि विजय यादव मेयर का चुनाव लड़ेंगे अगर वो सीटें आरक्षित नहीं होंगी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने और बिहार सरकार ने मिलकर ये फैसला किया और जहां से आप मेयर का चुनाव या डिप्टी मेयर का लड़ते वो सीट आरक्षित कर दी गई थी। तो फिर मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ना, ये चीज़ें कब आपके जहन, विजय यादव के जहन में आया? जी बिल्कुल, मैं जब सामाजिक क्षेत्र में बहुत दिनों से लगा हुआ था और धीरे धीरे लोग जो मुझे जानने लगे शहर से बाहर भी जो है, हमने भागलपुर से बाहर से मुंगेर बांका अगल बगल के राज्य मतलब ज़िले में भी जब मुझे जानने लगे फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो लोग जानने लगे कि ये व्यक्ति जो है यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम मुझे मदद करेंगे, तो बहुत जगह से मुझे कॉल आने लगा, मुझसे जहाँ भी संभव हुआ, जहाँ तक संभव हुआ मैं उसको मदद भी किया। तो मदद की दायरा जो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी मेरे, चूँकि सोशल मीडिया पे मैं अपना मोबाइल नंबर भी जो है दे चुका था, तो बहुत ज़्यादा कॉल आने लगे, तो लगा कि चलो पित्त तक तो अपना मैं निजी कर रहा था, तो चलो किसी यदि मतलब सरकारी फंडिंग वगैरह होता है, सरकार का प्रशासनिक जो भी सहायता मिलती है, तो किसी पोस्ट पे यदि किसी जगह पे चले जाते हैं तो हो सकता है कि जो प्रशासनिक सहायता भी मिलता है उसको भी यदि ऐड किया जाए तो लोगों की और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो उसी को देखते हुए जो है इस तरफ राजनीति की तरफ आने की इच्छा जाहिर हुई और कुछ लोगों का भी मन हुआ कि नहीं आप इस क्षेत्र में आइए, आप यदि आपकी हाथ और मजबूत होती है तो शायद आप और कुछ विशेष करेंगे। तो बस उसी समय से मन बना लिया था कि नहीं चलिए अब इस बार यदि सीट जनरल रहेंगे तो चुनाव में आएंगे। और अचानक जब पता चला कि अब तो सीट आरक्षित कर दी गई है, तो उसके बाद तो एक बड़ा संकट हो गया आपके लिए कि अब तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए कोई संकट नहीं था। आप लोग को भी पता होगा कि शायद जिस समय घोषणा भी हुआ और उसके बाद भी मैं जिसी तरह से क्षेत्र में बना रहा, जिस तरह से पहले था, लगातार कई वर्षों से जिस तरह से बना हुआ था उसी तरह से अभी भी उसी रफ्तार से मेरा काम चालू था। ऐसा नहीं कि हम जो है क्षेत्र से हट गए या सामाजिक क्षेत्र में कोई काम नहीं करने लगे, नहीं, मतलब जिस दिन घोषणा हुआ उसके दूसरे दिन से भी हमारा जो है सामाजिक क्षेत्र में उसी तरह बना रहा, वही काम हम करते रहे, क्योंकि बीच में बन बनाए थे कि नहीं राजनीतिक माना था, जब नहीं हो पाया सरकार की फैसला हुआ तो उसकी वह सम्मान करते हैं। कई बार विजय जी ये देखा गया कि जैसे ही ये फैसला आया, बहुत सारे उम्मीदवार थे चुनाव के मैदान में जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लड़ना चाहते थे, तो हम लोगों ने देखा बहुत करीब से, तो एक बाढ़ सी आ गई थी उस समय में कि ऐसे प्रत्याशी, ये मेयर के प्रत्याशी होंगे, ये डिप्टी मेयर के प्रत्याशी होंगे, लेकिन जैसे ही ये सीट की घोषणा हुई कि दोनों पद आरक्षित कर दिया गया है अति पिछड़ा के लिए, तो उसमें उन तमाम लोगों को उसके बाद फ्रेम से देखा गया कि वो बाहर चले गए जो समाज सेवा वो लोग कर रहे थे, और फिर अचानक जैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो सीटें हो गई आरक्षित, तो वहाँ से फिर उनकी भूमिका खत्म हो गई। और ऐसे में लेकिन आपके लिए एक चीज़ जो बहुत पॉजिटिव दिखा है, मैं अपने चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि आप लगातार बने रहे, तो लोगों में एक उहापोह की स्थिति भी रही कि विजय यादव ये जानने के बाद कि तो वो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर ये समाज के बीच में सामाजिक गतिविधियों में या अन्य आयोजनों में भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो क्या उसके पीछे क्या, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूजन था कि क्या विजय यादव लोकसभा या विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या क्या कुछ था, पूरा मामला क्या?
जी बिल्कुल, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और जब सीट आरक्षित हो गई, क्योंकि मैं पहले से जिस रफ्तार जैसे मैं समाज सेवा कर रहा था उसी तरह से मैं करते रह गया, और मुझे आगे भी करना ही था। ऐसा बात नहीं कि मैं चुनाव में आऊँगा तभी समाज सेवा करूँगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। और आगे मैंने सोचा ही नहीं कि विधानसभा लड़ूँ या मतलब लोकसभा लड़ूँ, इस तरह का कोई मन में नहीं है। यदि लोगों की इच्छा होगी आने वाला समय में, यदि ऊपर वाले की मर्जी होगी, तो बस उस क्षेत्र में देखते हैं क्या हो सकता है। एक बड़ा फैसला आ गया है अब विजय यादव जी, और लग रहा है कि आप जब समाज के बीच में लगातार बने रहे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो राज्य निर्वाचन आयोग ने अति पिछड़ा के लिए सीटें आरक्षित कर दी थी, तो पूरे बिहार में इस पर रोक लगा दिया, चुनाव पर रोक लग गया। और अब ये सुनने में आ भी रहा है कि बिहार सरकार उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। लेकिन क्या लगता है, जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, उसमें चीजें बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का ही हवाला दिया गया है, और उसी को देखते हुए ये ऑर्डर पास किया गया है कि या तो आप सामान्य रूप से चुनाव करा लें या फिर उसके लिए एक आयोग का गठन करें, और आयोग के गठन में बहुत समय लग सकता है। और जो हमारा संविधान कहता है कि चुनाव के 6 महीने से अधिक आप और ज्यादा इसको नहीं टाल सकते, तो क्या लगता है कि एक बड़ी जीत है या एक बार फिर से आप उम्मीदवार के रूप में अब सामने आ रहे लोगों के, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार की याचिका खारिज कर दी तो फिर चुनाव के मैदान में तो फिर लग रहा है कि आप उतर पाएंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, यदि हाई कोर्ट यदि ये फैसला ली है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जो चुनाव कराना चाहिए था, ये बिल्कुल कराना ही चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या कुछ पॉलिटिकल दबाव था या क्या था, नहीं था बता रहे इसमें जो इस तरह का जो है सीटें, दोनों सीटें जो कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों सीट जो है आरक्षित कर दिया गया। तो अभी जो भी सरकार की जो यदि चुनाव आयोग का जो फैसला आएगा, और हो सकता है कि बहुत जल्द आने वाला है, यदि उसमें सामान्य सीटें आती है, यदि उस लायक मेरे लिए होता कि हम उस सीट में आ सकते हैं, तो बिल्कुल फिर मैदान में रहेंगे। उसके लिए हमेशा जो है हमारी जो तैयारी जो थी, और तैयारी लगातार चल ही रही है बस। तो लग रहा है कि आपकी समाज सेवा जो है वो रंग ला रही है, इस तरह का जो अचानक रोक लगा, चूंकि 10 को चुनाव होने वाला था और 4 तारीख को नवमी के दिन ये फैसला आता है कोर्ट का कि पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया जो है वो रोक दी जाए वहां जहां की अति पिछड़ा के लिए आरक्षित किया गया है सीटों को। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अब संभावनाएं आपके लिए बलवती होती जा रही? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि अब भी संभावना हम लोगों के लिए है, और हम लोग मैदान में आएंगे, और बाद में जो मेरी समाज सेवा की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। मैदान में आए या ना आए, हम जिस तरह जो है समाज के बीच में है, समाज के काम हम करते रहेंगे। विजय यादव जी, एक इन सवालों की तरफ लौटते हैं, अभी जिस तरह से आप चर्चा में आए हैं हाल के कुछ वर्षों में, और अचानक अभी पिछले दिनों कुछ महीने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई आपके यहाँ, तो उस छापे को लेकर के आप अपने स्तर से क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे उस छापे पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जो जांच की, उस जांच के दायरे में आप आए, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि जो उस जांच के दायरे में हम हैं, तो मेरे यहाँ छापे पड़ा। मैंने भी बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, उन लोगों ने भी कॉपरेट किया, और जो भी जाँच करना था वो जाँच करके चलेंगे। आगे भी यदि जाँच के लिए आते हैं तो हम उनको कॉपरेट करेंगे, और जो उनको लगेगा कि भाई हम गलत है तो फिर वो साबित करें, और यदि हम निर्दोष है तो वो भी वो बता दे, और इस तरह उसकी जांच का काम है, वो जांच करके अपना गए। उसमें जितना भी होता है, हम प्रत्येक पदाधिकारी जो भी मेरे घर में आए थे, और हर व्यक्ति को हमने सपोर्ट किया, हर चीज़ अपने घर से अपने मैंने खुद निकाल के दिया कि मेरे साथ ये है, मेरी ये संपत्ति है, मेरे पास ये पैसे हैं, हर चीज़ को मैंने अपने खुद निकाल के दिया, ताकि उनको भी लगा कि नहीं ये व्यक्ति जन्मीन है, और इन्होंने खुद जो अपने हाथों से सारा चीज़ निकाल के दिया। अच्छा, जांच टीम को आप पूरी तरह से सहयोग अब तक आपने किया, और आगे भी आप सहयोग? बिल्कुल करते बिल्कुल, पूर्ण रूपेण सहयोग किए हैं, और आगे भी यदि ऐसा लगेगा तो हम उनको सहयोग करेंगे। चलिए, अब सवाल को थोड़ा सा चेंज करते मोड़ते हुए, विजय यादव की छवि कैसी हो गई है इस शहर के आसपास? अगर हम देखें, हर पार्टी के लोग, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, राज्य स्तर के नेता हों, और स्थानीय स्तर पर, चाहे हर पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, भाजपा के, हर पार्टी के नेताओं के साथ आपके मधुर संबंध हैं, क्या माना जाए इस बात को? बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि आप किसी, हम पहले सबसे पहले किसी पार्टी से हम जुड़े हुए नहीं हैं, और सभी लोगों से अच्छे संबंध होने की वजह होती कि ना बराबर कोई भी काम के लिए यदि लोगों की काम होती तो हम हर जगह पे पहुंचते हैं। किसी भी आदमी का यदि काम होता है, ज़रूरतमंदों का काम होता है, तो यदि जो काम हमसे संभव नहीं हो पाता है, तो जिस पार्टी से लगता है कि फलाने नेता से यदि ये काम हो जाता है, उसके पास हम पहुंचते हैं, जैसे वो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उसका काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे सभी लोगों से मेरा जो है संबंध
मतलब मधुर संबंध सभी पार्टी के नेताओं के साथ है, क्योंकि अगर कुछ बड़े नेताओं की बात करें तो भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा की बात कर लें, भागलपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव की बात कर लें, उनके पति जो भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं और बंटी यादव एक बड़े नेता हैं, उसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम बड़े नेता हैं, सबके साथ विजय यादव के मधुर संबंध, क्या लगता है चुनाव में कितना फायदा मिलेगा आपको इसका? जी बिल्कुल, संबंध तो सबके साथ मधुर है, बाद में आने वाला चुनाव में अब तो जनता तय करेगी जो है कि इनके हाथ में जो बागडोर देती है, कुर्सी किसको देते हैं, जो बेहतर कहीं ना उनको कुर्सी मिलेगी। अब एक निजी सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि विजय यादव और राजेश वर्मा जो निवर्तमान डिप्टी मेयर हैं, इनके बीच आपसे कोई साठ गांठ है इस तरह की कि आप और वो मेयर या डिप्टी मेयर के लिए अगर आप लड़ते हैं तो मेयर के लिए वो लड़ेंगे, या मेयर के लिए आप लड़ते हैं डिप्टी मेयर के लिए वो करेंगे फाइट, तो क्या इस तरह की क्या इसमें सच्चाई क्या है, आम लोग भी जानना चाहते हैं और आज हमारे चैनल के माध्यम से आप इस बात का खुलासा कीजिए विजय यादव कि राजेश वर्मा के साथ क्या इस तरह का कोई तालमेल है आपका? जी बिल्कुल नहीं है, इस तरह का कोई तालमेल नहीं है कि हम मेयर लड़े या हम डिप्टी मेयर लड़े हो तो मेयर लड़ेगा, इस तरह का कोई तालमेल नहीं है। और अभी का जो माहौल है तो लगता है कि जैसे वो मेयर लड़ रहे हैं तो हम भी मेयर लड़ रहे हैं, इस तरह कहीं कोई तालमेल नहीं है। आपसी संबंध मधुर है क्योंकि हम वो भी भागलपुर के रहने वाले, हम भी भागलपुर के रहने वाले, चुनाव अपने जगह है, आपस में जो है संबंध लोगों को खराब नहीं रखना चाहिए। मेरी तो अभी आपने ही बताया कि सभी लोगों के साथ आपका मधुर संबंध है, इनके साथ भी मधुर संबंध है, उसका इससे कोई लेना देना कोई लेना नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत दावे के साथ आपका एकदम बिल्कुल दावे के साथ कह रहा है कि इसमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों का संबंध भी मधुर है, हमेशा रहेगा, चुनाव के बाद भी रहेगा, चाहे वो मेयर बने तो मेरे लिए वो मेयर बन जाएंगे या हम मेयर बने तो उनके लिए हम मेयर बनेंगे, संबंध उसी तरह रहेगा। अगर वो भी कहीं मैदान में उतर गए, अगर सीटें आरक्षित नहीं हुई जनरल कैटेगरी में आई तो आप भी लड़ेंगे और वो भी चुनाव के मैदान में आएगा, तब फिर क्या होगा विजय जी? बस चुनाव अब जनता तय करेगी, अब मेयर वो बनते हैं कि हम बनते हैं उस पर तो जनता पे निर्भर करती है। लेकिन लड़ाई लड़ेंगे आप? हाँ लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल, जनता के बल पे। बिल्कुल जनता के बल पे, जनता को पूरी तरह से आपने ये सौंप दिया है कि जनता ही इस बात का फैसला करेगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अब सीधे चलते हैं कि जो सामाजिक गतिविधियों में आप शामिल हो रहे हैं, खेल और कला के क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि आप बहुत खेल के मैदान की तरफ भी आप जा रहे हैं, इससे पहले ऐसे देखा नहीं गया कि बहुत ऐसे राजनीतिक, क्योंकि हम भी बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि चाहे जन प्रतिनिधि जो भी बने हैं वो हर तरह से हर फील्ड में जाएं और खेल के मैदान के भी उतनी रुचि लें, ऐसा बहुत देखा नहीं गया है। आप अभी भी लगातार हर खेल में, चाहे क्रिकेट की बात कर लें, फुटबॉल की बात कर लें, कबड्डी के मैदान में बात कर लें, या फिर रग्बी जैसे तमाम इस तरह के जो खेल एथलेटिक्स हैं, तो हर जगह आप पहुंच रहे हैं, क्या सच में आपकी रुचि है इन खेलों में खिलाड़ियों के प्रति, या केवल आप राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं उसको साधने के लिए आप मैदान तक जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, और खेल से मेरा बहुत पुराना संबंध है, पहले भी जो है, अभी तो मान लीजिए चुनाव है तो लोग कहते हैं राजनीति की वजह से कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं खेल के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ और हमेशा जो है खेल ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा दिया था, अभी शहरी क्षेत्रों में दिलवा रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो है राज्य स्तरीय एक रग्बी का खेल हुआ था और उसमें से कई खिलाड़ी जो है नेशनल के लिए चयनित होकर जो अभी गुजरात में जो है अहमदाबाद में खेल हुआ, इसमें जो है चार खिलाड़ी जो है वहाँ से मेडल लेके आए थे, आज ही सुबह मेरे पास सारे लोग पहुँचे थे और बहुत खुशी लगी कि जो है यहाँ से खेल किया, यहाँ से चयनित होकर वो लोग गए और मेडल लेके मेरे पास ही डायरेक्ट आए, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे भागलपुर के, हमारे बिहार के बच्चे जाके नेशनल खेलें, इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता है, हम लोगों के लिए गर्व होती है जब हमारे भागलपुर के बच्चे यदि बाहर जाके खेलते हैं, तो उसमें जहाँ तक होगा आगे भी, ऐसा बात नहीं कभी राजनीति की वजह से, आगे भी जब पहले भी थे और आगे भी रहेगा, जब तक खिलाड़ी चाहेंगे हमसे मदद लेने के लिए हम उनको मदद करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए जहां तक संभव होगा हम जरूर प्रयास करेंगे। ये बातें जो आप कह रहे हैं, आज चुनाव में जीत अगर मिल जाती है, चाहे आप जिस पद के लिए चुनाव लड़ते हैं वो तो आने वाला भविष्य तय होगा, तो क्या चुनाव जीतने के बाद भी आप इसी तरह से खेल और खिलाड़ी, कला संस्कृति, कलाकारों के लिए, क्या आप विजय यादव इसी तरह से लगे रहेंगे उनके लिए? बिल्कुल लगे रहेंगे, चूंकि पहले भी लगे हुए थे, ऐसा नहीं कि जब चुनाव का पद पद मिल, पद मिलने के बाद क्या लगता है आपको कि विजय यादव इस तरह से, चूंकि बाकी जो अब अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं है विजय जी, आप इसी समाज में रहते हैं, आपने बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को देखा होगा और अभी देख भी रहे हैं वर्तमान में, तो बहुत अच्छा और फ्रूटफुल नहीं रहा है खेल खिलाड़ी के लिए, कला संस्कृति के लिए, या तमाम ऐसे जो क्षेत्र के लोग हैं उनके प्रति, कहीं ना कहीं लोग जब जीत के चुनाव जाते हैं
तो उनके बाद फिर उदासीन रवैया होता है। तो सवाल यही है कि क्या विजय यादव का रवैया वही उदासीन हो जाएगा पद मिलने के बाद, या फिर इसी तरह से आप लोगों के बीच जाते रहेंगे? मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जो व्यक्ति डायरेक्ट चुनाव के लिए सिर्फ सामने आते हैं और किसी भी चीज़ को मतलब उसमें एक्टिव होकर काम करते हैं, उसके बाद जो है चुनाव के बाद वो सारा चीज़ भूल जाते हैं, वो जो डायरेक्टली आते हैं उनके लिए ये चीज़ होता है। जो सामाजिक स्तर पे बहुत दिनों करीब हम जो है 13-14 साल से जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज में एक्टिविटी जो है मेरी हमेशा बनी रहती है, खेल कूद हो या किसी भी क्षेत्र में जो है रहती है, तो ये चुनाव के बाद ये समाप्त नहीं हो सका, क्योंकि मैं सामाजिक जीवन शुरू से जी रहा हूँ और सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है उस क्षेत्र से हट नहीं सकता। मैं हटना भी चाहूँगा तो उस क्षेत्र के क्षेत्र से मुझे कोई हटने नहीं देगा। मैं अभी यदि चाह लेता हूँ कि सुबह जैसे रात में मुझे 2 बजे आती है रात आने में, तो चाहता हूँ कि सुबह 8 बजे तक सो जाऊँ, नहीं सो सकता हूँ, क्योंकि 6 बजे तक दरवाजे पर किसी न किसी जरूरतमंद की जरूरत होती है, आ जाते हैं, तो हमको जगना पड़ता है। अच्छा, परिवार का कितना सपोर्ट है? चूँकि आप जब राजनीति के क्षेत्र में आप कूदे हैं समाज सेवा के साथ साथ, परिवार का कितना साथ समर्थन और सहयोग मिल पा रहा आपको? बिल्कुल, हमारे परिवार का, हमारे पिताजी का, मेरी पत्नी का पूरा सहयोग रहता है, भाई लोग का भी सहयोग रहता है इसमें। जो है हम जब सामाजिक जीवन जीते हैं तो हमारे पिताजी को बहुत खुशी मिलती है, जब पिताजी जब गांव से जब आते हैं शहर की ओर आते हैं तो कहीं जगह बैठते हैं तो चाय दुकान या पान दुकान पे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो चर्चा होती है कि आपके बेटे ने फला ये काम किया, वो काम किया, अच्छा काम किया, तो पिताजी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ना मेरा बेटा ये काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। पत्नी का भी बहुत सपोर्ट रहता है सामाजिक जीवन में। गृह मंत्री जो घर की पत्नी होती है, जिसकी आपने चर्चा की, सच सच बताइए कैमरे के सामने, सच में क्या वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपके इस फैसले से सहमत है कि आप राजनीतिक मैदान में कूदे हैं? बिल्कुल 100% वो सपोर्ट करती है, और कहीं कहीं तो मेरे सामाजिक जीवन में जो सामाजिक काम हम करते हैं मेरे साथ जाके वो भी करती है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जगह पे सामाजिक काम में मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलती है वो आपको पत्नी का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पत्नी का पूरा सहयोग समर्थन सारा चीज़ मिलता है। यहाँ तक बता देता हूँ, कोरोना काल में जिस समय मेरे पॉकेट का पैसा खत्म हो गया था, तो चूंकि उसमें बहुत बृहद पैमाने में मैं काम कर रहा था कोरोना काल में, सूखा राशन भी दे रहा था, खाना भी बांट रहा था, तो पैसे खत्म हो गई थी कुछ, जो है पत्नी के पास उसका FD वगैरह बचा हुआ, तो उन्होंने खुद जाके बैंक से उसको तोड़वा के उस पैसे को मेरे सामने ला दिया, इनसे भी जो है आप सेवा कीजिए। तो चलते चलते विजय जी क्या कहना चाहेंगे भागलपुर की जनता से, विजय यादव क्या कहना चाहेंगे? बस भागलपुर की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आने वाला जो समय है, आप जो है जो भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे उनको अच्छे लोगों को चुनिए अपने प्रतिनिधित्व के लिए, और जो अपने समाज का विकास होता है, अपने क्षेत्र का विकास होता है, अपने भागलपुर शहरी क्षेत्र का जो स्मार्ट सिटी जो भागलपुर है उनकी अच्छी तरह से विकास कर सके वैसे लोगों को आप चुनिए। हमसे बात करने के लिए आपका विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विजय यादव, जो कोविड के समय से लोगों की सेवा करने के लिए मशहूर हो गए थे और उसके बाद चर्चा में आ गए लगातार, लेकिन इन्होंने बताया कि समाज सेवा पहले से करते आ रहे हैं और परिवार में इनकी परंपरा है, इनके पिताजी इनके दादाजी अपने समाज में जो भी उनसे बन पड़ता था वैसे लोग जो उनसे मदद की अपेक्षा रखते थे उन तक मदद पहुंचाते, तो वहीं से प्रेरणा लेकर ये समाज सेवा के क्षेत्र में आए। और हमने भी बहुत ही बेबाकी के साथ इनसे हर तरह के हर मुद्दे पर सवाल दागा कि जिस तरह से इनकम टैक्स की टीम ने इनके यहाँ भी छापेमारी की थी जाँच में, तो इनको भी उन्होंने पूरा सहयोग किया और आगे भी वो जाँच टीम को सहयोग करते रहेंगे जो अपने स्तर से होगा। साथ ही भागलपुर में जो राजनीतिक पारा है उसको लेकर के भी बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात इन्होंने रखी है, और अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आता है आने वाले दिनों में वो स्पष्ट हो जाएगा, तो मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए कहां से ये चुनाव लड़ते हैं ये तो भविष्य में तय हो जाएगा, लेकिन समाज में लगातार ये लोगों के बीच बने हुए ये एक बहुत ही अहम बात है और बहुत खुलकर के इन्होंने साझा किए हैं अपने उन संस्मरण को हमारे चैनल के माध्यम से। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि विजय यादव किस तरह से समाज के हर लोगों के बीच इसी तरह से बने रहते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TV अंग प्रदेश, भागलपुर।